तहलका न्यूज के सभी दर्शकों को मैं जूली श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। तहलका न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञानचंद्र। विगत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा व चोला योगी का काम गुंडा का कहने पर राजीव राय राष्ट्रीय सचिव व राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी पर दर्ज हो गया है मुकदमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया था बयान। थाना सरायलखनसी में करणी सेना ने कार्यकर्ताओं के तहरीर पर 504, 505 आईपीसी के तहत दर्ज किया है मुकदमा। नकारात्मक सरकार, डिस्ट्रक्टिव गवर्नमेंट, जिस मुख्यमंत्री की भाषा गुंडे की भाषा है, अगर वो आचरण प्रशासन में आ जाए और इस तरह की घटना होने लगे तो मैं आप लोगों के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से, सिर्फ जिले की इकाई ने, प्रदेश की और देश की पार्टी की तरफ से चेतावनी देता हूं कि इस तरह का उत्पीड़न करना अगर जारी रखेंगे तो इनको शायद फौज और पीएससी बुलाने पड़ेगी। न एसपी के बूते की बात है, न डीएम के बूते की बात है। मेरी बात को आगरा लें या चेतावनी लें, मुझे कोई परवाह नहीं है। डीएम साहब, इस दौरान सपा के प्रवक्ता से जब मुकदमे की दर्ज करने की बात पूछी गई तो तहलका न्यूज को उन्होंने क्या बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है। किसने किया? कुछ कड़ी सेना के लोगों ने किया है। हाँ, कड़ी सेना के लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है आपके। कौन? कड़ी सेना। वो कौन लोग हैं? मैं नहीं जानता किसी ऐसे मामले में। किस बात पर हुआ है? मुख्यमंत्री जी को वो बिना पढ़े लिखे लोगों, जिनको मतलब नहीं पता है, उनको सफाई देने के लिए नहीं हुआ हूँ मैं। अब शब्दों के लिए नहीं, अपने संस्कार के लिए जाना जाता हूँ। और जिन बातों का मुद्दा बनाने की कोशिश किया जा रहा है कुछ लोगों से, मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का 5 फरवरी 2019 का बयान है सदन में। उन्होंने पूरे विपक्ष को गुंडा कहा था, लेकिन मैं आज भी मुख्यमंत्री को गुंडा नहीं कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उनके ऊपर आपराधिक धाराओं का और न्यायालय से क्लीन चिट नहीं मिलने की बात कही है, जो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। और वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, उनकी दुकान चलती रहनी चाहिए, वो चर्चा में रहना चाहिए ना। उनका तो मैं नाम भी आज से पहले नहीं सुना था, न जानना चाहता हूँ। कल जो है करणी सेना ने जो है राजीव राय द्वारा कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था, तो इस संबंध में करणी सेना ने राजीव राय के खिलाफ तहरीर से मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सरायलखनसी में। जी, कौन सी धाराएं ऐसा लगाई गई हैं इसमें? आईपीसी 504 और 505 लगाई गई है। खबरें वो जो बने सुर्खियाँ, अंदाज ऐसा जिसे अब तक न देखा न सुना, देश की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। सिर्फ खबर ही नहीं, खबर के अंदर की खबर जानने के लिए देखें तहलका.in।